अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेजिटेबल गार्डनिंग चैनल। मेरा नाम है हसन रज़ा और के काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कुछ ऐसी वजूहात रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाना छोड़ गया था। कुछ जॉब्स की मसरूफियात थी और कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो प्लांट ग्रो करवाए हुए थे आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़े हो गए हैं और हम दोबारा इसको जो है प्रोपगेट करवाएंगे और दूसरी नई वीडियोस के बारे में भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि किस तरह से हम बनाना के अंदर जो है एलोवेरा का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट को ग्रो करवाने के लिए किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ लिस्टेड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम है। प्लांट सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, इनको हम साइंस की ज़ुबान में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। और ये प्लांट को अगर ज़्यादा मकदार में मिले तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इसी तरह से मैं बताऊंगा कि बनाना के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है कि ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो पोटाशियम है वो काफ़ी मकदार में यहाँ पे मौजूद है और प्रोटीन से आप नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें उस बनाना को चूज़ करना पड़ेगा जिसमें वाफर मकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, मीन के साइज़ के लिहाज से वो बड़ा हो और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटीरियल मौजूद हो। तो इसी तरह से मैंने सबसे अच्छा जो था बनाना परचेज़ किया था कि हम उसके अंदर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें और प्लांट को ग्रो करवा सकें। लास्ट ईयर मैंने कुछ एलोवेरा के प्लांट्स ग्रो करवाए थे तो आज वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गए हैं। तो उनमें से मैंने एक बेबी प्लांट जो है चूज़ करने का फैसला किया। तो आप लोगों ने ऐसे प्लांट चूज़ करने हैं जिनकी रूट जो है प्रॉपर डिवेल्प हों और लीव्स फ्लैशी मौजूद हों, जैसे कि आप लोग ये वीडियोज़ में देख सकते हैं। बनाना के अंदर जो है हमें इस तरह से कुछ सुराख करना पड़ेगा। किसी भी आप चीज़ से सुराख कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद ली है और इस तरह से सुराख करके आप जो रूट्स का हिस्सा है एलोवेरा का आप उसको इसके अंदर एंटर करवा दें, क्योंकि जड़ें हम चाहते हैं कि ग्रो करें तो वो बनाना के अंदर ग्रो करें। सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं ऐसे, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स कुछ ज़्यादा जो है इनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी ये ग्रो करें। तो इसलिए हम इसको बनाना प्लांट के अंदर जो है जहाँ पे हमने सुराख किया है वहाँ पे हम जड़ें इसकी लगा देंगे। उसके बाद आप इसको सिंपल जो है इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। लाइक का बटन जो है ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और रही बात इस वीडियो की, और मज़ीद जो है आपको अपडेट इस वीडियोज़ की मिलती जाएगी ताकि आपको ये श्योर हो सके कि एलोवेरा का प्लांट क्या वाकई ही बनाना के अंदर ग्रो कर सकता है, क्या वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकता है। तो जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।